बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन अब्दुल्ला व्लॉगिंग यूके। होपफुली एवरीवन इज डूइंग वेल। मैं और अब्दुल्ला आए थे लाइब्रेरी अपने लोकल टाउन में, और पहले हमने थोड़ी सी की शॉपिंग, और शॉपिंग के दौरान मुझे इंग्लिश स्टोर में पाकिस्तानी बिस्किट नजर आ गए। ये मेरे फेवरेट पाकिस्तानी बिस्किट्स हैं और तकरीबन हर एशियन शॉप पर मिल जाते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये इन इंग्लिश स्टोर्स में आए हैं। वैसे तो हमें पाकिस्तान की हर चीज़ अच्छी लगती है बिकॉज दैट्स अवर कंट्री, लेकिन हमारे मुल्क में रिसेंटली जो कुछ हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख होता है। मुल्क को चलाने वाले चोर हैं और किसी को भी आज़ादी राय तक का हक नहीं है। इन चोर हुमरानों ने हमारे मुल्क को खोखला करके रख दिया है। हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में कहा था कि अगर दरियाए फरात के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो क्यामत के दिन मुझे उसका हिसाब देना होगा। और इन हुक्मरानों को अल्लाह ताला का कोई डर नहीं, बस अपनी नस्लों को पाल रहे हैं। अल्लाह भी जालिम लोगों की रस्सी दराज करता है, लेकिन जब पकड़ होती है तो बहुत सख्त होती है। ये लोग मौत को बुला बैठे हैं। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन डाकुओं से निजात दिलाए और हमारे मुल्क को खुशहाली अता करे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये दिन जरूर आएगा। आमीन। जी तो हम आ चुके हैं लाइब्रेरी के अंदर और करते हैं एक्सप्लोर बुक्स। आजकल बुक पढ़ने का रुझान काफ़ी कम हो चुका है और मोस्टली लाइब्रेरीज भी हाली होती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन एटलीस्ट बच्चों के लिए इस गुड प्रैक्टिस किया, आप उनको बुक से इंट्रोड्यूस करवाएं। ये है जी उर्दू का सेक्शन, इसमें उन्होंने उर्दू की कुछ बुक्स रखी हैं। इसमें डाइजेस्ट भी हैं जो हम कॉलेज के ज़माने में पढ़ते थे पाकिस्तान में, लेकिन अब का मुझे पता नहीं कि आप पाकिस्तान में ये लोग पढ़ते हैं या नहीं, क्योंकि इंटरनेट ने हर चीज़ चेंज कर दिया। मोस्टली लोग इंटरनेट पर बिज़ी रहते हैं, सोशल मीडिया पर, और बुक्स कम पढ़ते हैं। और लेकिन वैसे ऑनलाइन भी आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अब तो मेरे पास उस टाइम नहीं होता कि मैं लाइब्रेरी आके ये बुक्स लेके जाऊं और पढूं। मैं जब नई नई इस कंट्री में आई थी तो तकरीबन हर दूसरे दिन यहाँ से बुक्स लेके जाती थी। उस टाइम फ़ोन भी इतना आम नहीं था और ये सबसे अच्छा ज़रिया था अपने आप को बिज़ी रखने का। और वैसे भी टाइम के साथ साथ इंसान की प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। मैं ये बुक देख रही थी, वारिस शाह, काफ़ी अच्छी बुक लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मे बी मैं ये बुक लेके जाऊँ। ये अनदर बुक है, शीश माहो, मुसन्नफ़ है इसकी इस्मा कादरी, लेकिन काफ़ी बड़ी बुक लग रही है तो मैं सोच रही थी कि बाद में सोचूंगी इसके बारे में। ये अरबिक बुक्स हैं और साथ ये बंगाली लैंग्वेज में कुछ बुक्स हैं। ये जी कुछ ई सोल्स की बुक्स हैं, इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। जो लोग नए आते हैं इस कंट्री में, वो अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वो इन बुक से हेल्प ले सकते हैं, या जिन्होंने ई सोल क्लासेस में हिस्सा लिया वो भी इन बुक से हेल्प ले सकते हैं। इसमें इंट्री वन और इंट्री टू क्लासेस की बुक्स हैं। इनमें ये कुछ ऑडियो बुक्स भी हैं, और ये है जी फिक्शन बुक्स। ये सारे इंग्लिश फिक्शन बुक्स हैं, जिन लोगों को फिक्शन पढ़ने का शौक है वो यहाँ से बुक्स लेके जा सकते हैं। ये जी बच्चों की स्टोरी बुक्स, ये काफ़ी इनके पास कलेक्शन है बच्चों की बुक्स की। ये एक साइड है और दूसरी साइड पे काफ़ी बुक्स हैं बच्चों की। अब्दुल्ला अपने लिए कोई बुक चूज कर रहा है, लेकिन मोस्टली वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन से बुक ले। ये बच्चों के बैठने की जगह है, मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन आज शायद ठंड की वजह से लोग इतने बाहर ही निकले। दूसरी साइड पे कुछ बच्चे बैठे हैं, लेकिन मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मैंने यहाँ के इंग्लिश लोगों में देखा है कि वो अपने बच्चों को ज़रूर लाइब्रेरी लेके आते हैं, उनके साथ बैठ के स्टोरीज़ पढ़ते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। यह है जी लाइब्रेरी कार्ड, यहाँ पर बुक्स बोरो करने के लिए या लाइब्रेरी सर्विसेज यूज़ करने के लिए ये कार्ड यूज़ करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली न्यू हैम लाइब्रेरी है, तो ये अब्दुल्ला का कार्ड है।
यूके की हिस्ट्री की बुक्स हैं जहाँ पर बादशाही निज़ाम कायम है उसके बारे में, जो भी आपको मालूम चाहिए आप इनमें से ले सकते हैं। और यहाँ की सबका किंग्स और क्वींस के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में लिखी गई कुछ किताबें हैं। यह है जी कुछ ट्रैवल गाइड बुक्स, मैं आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में बुक्स हैं। जो लोग दिलचस्पी लेते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में मालूम के लिए, वो इनमें से हेल्प ले सकते हैं। ये GCSE और A लेवल स्टूडेंट के लिए बुक्स हैं। मोस्टली यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं अपनी स्टडी प्रैक्टिस के लिए। इस लाइब्रेरी में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं हर मंथली, जिसमें बुक रीडिंग कंपटीशन, बेस्ट स्टोरी रीडर और क्विक पिक्स बुक्स जैसे टास्क दिए जाते हैं। और प्राइज़ भी दिया जाता है जो बच्चा इनको फर्स्ट पूरा करता है। इससे बच्चे काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं बुक रीडिंग में। लोकल कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन और जो भी अवेलेबल सर्विसेज होती हैं उसके बारे में मालूम आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं फिर से आ गई हूँ उर्दू के सेक्शन में। मुझे ये उमैरा अहमद की बुक मिली है। उमैरा अहमद मेरी फेवरेट राइटर है और मैं इनकी और भी बुक्स ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिली नहीं। और ये बुक भी मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी, चंगेज़ खान से जहांगीर तक। इसके मुसन्निफ है डॉक्टर साजिद अहमद। ये नावल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इकरा सगीर अहमद का। और अब ये पढ़ के पता चलेगा कि कितना दिलचस्प है। अब्दुल्ला को जहाँ भी टेक्नोलॉजी कोई चीज़ नज़र आ जाए उसका पास नहीं चलता कि वो वीडियो गेम खेले या कोई अपने फेवरेट कार्टून्स देख ले। आजकल मैंने देखा है बच्चों में बहुत ज़्यादा ये आम है कि वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। अब्दुल्ला और मैंने ये कुछ बुक्स चूज़ की थी बोरो करने के लिए। लाइब्रेरी से आप 2 वीक के लिए बुक बोरो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 वीक्स के अंदर वापस ना करें या आप लॉस कर दें बुक्स तो आपको पे करना पड़ता है इसके लिए। ये देखिए कोयले के बारे में कुछ मालूमात दी गई हैं। यहाँ बताया गया कि लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए और कुकिंग के लिए कोयला यूज़ करते थे, और इस कोयले को सी कोल कहा जाता था क्योंकि वो कोयला मोस्टली समंदर के किनारों में मिलता था जो कि समंदर के अंदरूनी हिस्से से आता था। लेकिन ये वाला कोयला बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और फिर ज़्यादा गहराई से कोयला निकाला जाने लगा। 1960s में ब्रिटेन में कोयला सबसे बड़ा सोर्स था ईंधन का, बिजली और गैस के आने से पहले। यहाँ ट्रेन में कोयला यूसेज के बारे में भी बताया गया है। हम जी बाहर निकल आए लाइब्रेरी से, ये लाइब्रेरी के बाहर का मंजर है। ये हमारा छोटा सा टाउन है फॉरेस्ट गेट। ये हमारे घर से तकरीबन 15-20 मिनट के फासले पे है। यहाँ पे हर तरह की शॉप्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी, ट्रेन स्टेशन और मस्जिद भी है। आज मौसम बहुत ख़राब है और काफ़ी विंडी है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। विंड की वजह से मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए वीडियो भी स्टेबल नहीं है।
हवा बहुत तेज चल रही है, आप जरा आवाज सुने इसकी। जा रहे हैं जी घर की तरफ, और ये रास्ते में आता है छोटा सा तंग रास्ता। मोस्टली ये साफ होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सफाई नहीं की गई और बहुत डर्टी है। और दूसरा बिन ने भी अपना काम कर दिया है, बिन भी काफी फुल है। विंडी काफी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने घर के करीब पहुंच चुके हैं। ये हमारा फील्ड कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं कॉलेज की। लेकिन ये असल में नर्सरी है बच्चों की, और मेरे लिए इसलिए भी आया मैं क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट स्टार्ट की थी जॉब यहाँ से। अब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये छोड़े हुए। ये आप दूर से देख सकते हैं, ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है, हमारी कम्युनिटी की लाइब्रेरी। काफ़ी ठंड लगी है मुझे, और मैंने आते साथ ही सबसे पहले चाय बनाई है। चले जी देख लेते हैं बुक्स को। यह है उमैरा अहमद की दाना पानी। दाना पानी के नाम जिसकी तलाश कुछ को पारस करती है कुछ को पत्थर। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हो, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। हक कलाम बाहू मेरे अबू का फेवरेट कलाम, वो मोस्टली ये पढ़ते थे और काफ़ी अच्छे अंदाज में पढ़ते थे। ये प्योर पंजाबी पढ़ने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ। तो नेक्स्ट शेर सुनिए। पीर मिले ते पीर ना जावे, ओ पीर की करना हो, जिस मुर्शद थी रुशद ना होवे, ओ मुर्शद की करना हो। तो ये जो मैं दूसरा नावल लेके आई थी इकरा सगीर अहमद का, इसको देखते हैं, तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये एक और शेर है, शुक्र है कि ये उर्दू में है, तो मैं इसको पढ़ती हूँ। पतझड़ की दहलीज पे बिखरे बेचेहरे पत्तों की सूरत, हमको साथ लिए फिरती है तेरे ध्यान की तेज़ हवा। मैं अब ये बात मैं पढ़ूंगी जब मेरे पास टाइम हुआ, और सबसे पहले मैं दाना पानी पढ़ूंगी उमैरा अहमद का, उसके बाद दूसरी बुक पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ये पीछे उमैरा अहमद के कुछ बाकी नॉवल्स की लिस्ट भी है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।